सोनी टीवी पर आने वाले पॉपुलर फैमिली ड्रामा ये मोह मोह के धागे में हो चुका है एक बहुत बड़ा खुलासा। जिस सच को मुखी ने बरसों से दिल में दबा कर रखा था, आज खोल दिया है उन्होंने वो राज सबके सामने। मुखी ने रामी को बता दिया है कि 20 साल पहले उन्हें बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई थी और वो मरी नहीं है, वो जिंदा है और उनके घर में ही है। ये सुनकर रामी चौंक जाती है और मुखी से पूछने लगती है कि आखिर उनकी संतान कौन है। मुखी उन्हें बताती है कि उनकी बेटी और कोई नहीं बल्कि मिश्री है। ये सुनते ही सिर्फ मिश्री और रामी ही नहीं बल्कि वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं। रामी को अपने करतूत पे बहुत पछतावा हो रहा है और वो दुखी भी है। उन्हें मन ही मन चिंता खाए जा रही है कि इतना कुछ करने के बाद क्या मुखी और मिश्री उन्हें माफ करेंगे। पर मुखी और मिश्री रामी को माफ कर देते हैं। मिश्री दौड़ के जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। रामी गांव वालों के साथ मिलकर मुखी को गांव में रुकने के लिए मना लेती है। अरु और मुखी अपने गांव में डेवलपमेंट लाने के लिए गांव छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है और इसी तरह ये शो एक हैप्पी नोट पर खत्म हो जाता है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट कीजिए और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।